सभी जगह से यहाँ स्टूडेंटों ने धरना प्रदर्शन दिया भीम आर्मी के नेतृत्व में। और जो भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन दिया है वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण पर जो रासुका लगाई है उसके तहत यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। और धरना प्रदर्शन में ये मांग की जा रही है कि भाई उसको रिहा करो, रिहा करो। उसी जो स्टूडेंट आए हैं और भी लोग आए हैं तो उनमें कुछ कवि भी जो राष्ट्र कवि भी हैं कहते हैं कि जो जवान लड़ते हैं उनको पीछे बजाने वाले ताली बजाने वालों की ज़रूरत होती है, लेख लिखने वालों की ज़रूरत होती है और कविता के माध्यम से भी संघर्ष किया जाता है। ऐसी हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी हमारे बीच के अंदर आई, हमसे जानकारी लेते हैं कि आज ये यहाँ क्यों आए और इनका आने का क्या। राहुल नागपाल जी, आज भी आर्मी ने धरना प्रदर्शन दिया क्या और आप तो एक राष्ट्रीय कवि हैं तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए अब आपके दो सवाल हो गए, एक तो ये हो गया कि मैं कवि हूँ तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी थी, एक सवाल ये हो गया कि ये जो राष्ट्रीय यहाँ पर जो भीम आर्मी के लोग जो धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला तो मैं ये बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जो हमारे अजीज मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं बिल्कुल चंद्रशेखर रावण जी, उन पर जो रासुका लगाई है ये गैरकानूनी है। और उसका सबसे बड़ा क्लू ये है कि एक दिन पहले जो कोर्ट है वो जमानत देता है और अगले ही दिन उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये योगी मोदी जो सरकार है, जो दलित मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जो है वो बाहर आए और दलितों का मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है वो आगे बढ़े। दूसरा सवाल अभी जो आपने कहा कि मैं कवि हूँ और कवि यहाँ क्या कर रहा हूँ इस भीड़ में, तो मैं तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि कवियों का भी आंदोलन में अपना एक अहम योगदान रहा है। अगर हम आज़ादी के लड़ाई की बात करें तो इकबाल के शेर आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ करके बोलते हैं आज़ादी की लड़ाई में। उसके बाद में अगर बात करें तो फिर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में दुष्यंत की कविताएं जो हैं वो सर चढ़ करके बोली। अभी हाल ही में अन्ना का आंदोलन हुआ तो हमारे मित्र कुमार विश्वास साहब उनकी कविताएं बड़ी सर। नागपाल जी, जो आज भीम आर्मी का ये धरना प्रदर्शन है तो इसमें आप अपनी क्या भूमिका, कविता के माध्यम से क्या भूमिका अपनाएंगे? देखिए मैंने दो सॉन्ग जो है भीम आर्मी के लिए रिकॉर्ड किए थे। एक सॉन्ग मेरा भीम आर्मी के लिए मैंने लिखा था, बड़ा फेमस सॉन्ग है, भीम आर्मी के शेरों की करो बढ़ाई जिसने भारत में समता की लड़ी लड़ाई, बड़ा हिट सॉन्ग है मेरा भीम आर्मी के लिए। और अभी मैं कहना चाहूँगा तो कविता के माध्यम से ही मैं दो लाइनें बड़ी चंद्रशेखर को भी फेमस बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं वो यही कहूँगा कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। तो ये मेरा भीम आर्मी के मंचों पे मैंने कई बार सुनाया है, वो बड़ा अच्छा है। एक और इसी का मैं लेटेस्ट अभी मैं सुना देता हूँ। उसमें चंद्रशेखर से मैं जब मिल के आया था, जब वो एडमिट थे मेरठ मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर मेरी बात हो रही थी उनसे, तो मैंने उनको बोले कुछ सुना दो, तो ऐसी मेरे दिमाग में चार लाइनें आई थी तो मैंने उनको सुनाई, बोले भाई बहुत अच्छी लिखी है, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। किसी ने कहा कि दलितों का खून नहीं खोलता, तो मैंने कहा भी दलितों का खून तो जब जब खोला है, जब जब सैलाब आया है। 200 वर्ष पहले कोरेगांव का इतिहास आप पढ़ करके देख लीजिए कि 500 दलितों ने 25,000 मराठाओं को किस तरीके से कोरेगांव की भीमा नदी में काट करके बहा दिया। तो मैंने वहाँ से जोड़ने की कोशिश की है कि हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है, हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है, हमारे खून के किस्से सहारनपुर, हमारे खून के किस्से सहारनपुर बताता है, ये बाबा के दीवानों की कहानी है जरा सुन लो, तुम्हारी आँख से आँख कोई रावण मिलाता है, तुम्हारी आँख से आँख कोई रावण मिलाता है। तो ये भीम आर्मी के लिए मैंने लेटर कुछ लिखा था और बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहाँ पर आए। जय भीम, नमो।